प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अदालत में लंबित पड़े मामलों पर की चिंता व्यक्त, कहा जल्द निपटने चाहिए मामले। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का चुनौतियों से उभरना बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों से आम आदमी को काफी उम्मीदें, कहा गरीबों को सही वक्त पर मिलना चाहिए न्याय। कश्मीर घाटी और श्रीनगर में आज कर्फ्यू हटाया गया, पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि स्थिति अब शांतिपूर्ण है, जिसे देखते हुए कश्मीर घाटी के किसी भी भाग में अब कोई पाबंदी नहीं है। गौरतलब है कि 9 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद सरकार ने एहतियातन पूरी घाटी में लगाया था कर्फ्यू। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 1.50 रुपए और डीजल के दामों में 45 पैसे की बढ़ोतरी। तेल विपणन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बढ़ोतरी की घोषणा, नई दरें आधी रात से लागू। गुजरात उच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार के उस तर्क को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम भेदभावपूर्ण है। न्यायालय ने राज्य सरकार को इस स्कीम को लागू करने का दिया निर्देश। गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आया नया मोड़, गीतिका की मां ने भी की आत्महत्या, परिवार के लोगों ने घटना के लिए हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को ठहराया जिम्मेदार। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भागों में ताजा हिमपात और उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश से पूरे क्षेत्र में मौसम ने ली करवट। राष्ट्रीय राजधानी में आज बादल छाए रहे जबकि कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 1500 किलोमीटर दूर चेलियाबिंस्क क्षेत्र में कल एक उल्कापिंड के गिरने से 200 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा लोग घायल। उल्कापिंड यूराल की पहाड़ियों में गिरा, इसके बाद विस्फोट के साथ उसके कई दहकते हुए टुकड़े येकातरिनबर्ग और चेलियाबिंस्क शहरों पर गिरे। वैलेंटाइन डे के दिन अपनी महिला मित्र पर गोली चलाने के आरोपी ऑस्कर पिस्टोरियस पर लगा हत्या का आरोप कल अदालत में पेश। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने कतर ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर फिर से जमाया कब्जा। इस मुकाम पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी विलियम्स ने क्वार्टर फाइनल में पूर्व विंबलडन चैंपियन चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को ग्रेंके शतरंज क्लासिक में जर्मनी के जॉर्ज मेरे ने ड्रॉ पर रोका, सफेद मोहरों से खेलते हुए जीत दर्ज करने की कोशिश में जुटे आनंद लय को नहीं रख सके बरकरार।